हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग और MySQL का कॉम्बिनेशन ही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप BCA का प्रैक्टिकल एग्जाम देने वाला हो या फिर आप इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल एग्जाम को देने वाले हो, तो वहां पर आपको प्रैक्टिकली ये नॉलेज शायद नहीं मिल पाता है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, आपको एक टेबल बनानी है। हालांकि मैंने टेबल वो बना दी है और इसके पहले के वीडियोस में मैंने ये बताया है कि टेबल कैसे बनाई जाती है, ठीक है। पाइथन के ऊपर टेबल बनानी है और वो दिखेगा कहाँ, MySQL पर। तो यहाँ पर देखिए, एक डेटाबेस भी मैंने बनाया है, ठीक है। ये बनाया तो मैंने है कहाँ पर, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, ऑफिस नाम से हमने एक डेटाबेस बनाया था और ये बनाया था पाइथन पर, ठीक है। बनाया था पाइथन पर, दिखेगा कहाँ पर, MySQL पर। तो यहाँ पर अगर हम MySQL ओपन करेंगे तो वहां पर ये हमें दिखेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बना हुआ है सारा कुछ, और ये फेच ऑल फंक्शन से तो आप परिचित ही होंगे। फेच ऑल सारे रिकॉर्ड्स को फेच कराने के काम आता है, ठीक है। तो हम इसमें फेच ऑल, फेच मेनी और फेच वन भी देखेंगे, तो ये सारी चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। और डेटाबेस हमारा क्या है, ऑफिस नाम से डेटाबेस है, ठीक है। और इसमें टेबल्स भी बनी हुई है, तो आप चाहे तो शो टेबल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। शो टेबल्स का यूज करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी टेबल्स इसमें बनी हुई है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारा काम ये नहीं है, शो टेबल्स नहीं करना है हमें। हमें जो डेटाबेस है में जो है, हमें क्या करना है, इसके पूरे रिकॉर्ड्स को फेच कराना है। तो सबसे पहले तो MySQL ओपन करना होगा, तो यहाँ से MySQL को ओपन कर लेता हूँ, जो अभी क्लोज किया हमने, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमने MySQL ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं यहाँ से और अब इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। और ये कोड देख लीजिए, ये कोड मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सूरज सर कंप्यूटर वाले, वहां पर आपको दे दूंगा और वहां से ये कोड आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम चलाएंगे, इसमें एक लूप भी लगाया हमने फॉर एक्स इन माई रिजल्ट, माई रिजल्ट नाम से यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है, और इसी के अंदर सारे रिकॉर्ड्स को मैं स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट में एक्स को प्रिंट करवाया गया है, तो अभी इन सबको हमें चलाना है, ठीक है। ये पूरा कोड जो लिखा है हमने, इसे हमें एक्सिक्यूट करना है, चलाना है। तो यहाँ से रन पे जाएंगे और रन पे जाने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी रिकॉर्ड थे वो सारे रिकॉर्ड आपको पाइथन पे फेच होते हुए नजर आ रहे हैं, राघव, न्यू कॉलोनी, देवरिया। अब इसको देखना है कि ये सेम रिकॉर्ड मैच कर रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो दो बार रिपीट हो रहा है, राघव रिपीट हुआ है, राम रिपीट हुआ है, पुनीत रिपीट हुआ है। तो क्या हमारे ओरिजिनल रिकॉर्ड में भी ये रिपीट हुआ है, ये देखना जरूरी है। और ये तो आप देख ही सकते हैं, यूज कीवर्ड का यूज हम लोग MySQL में भी करते हैं, याद है आपको, ठीक है। सेलेक्ट कमांड का यूज हम लोग MySQL में करते हैं, या आप किसी भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर में सेलेक्ट या यूज कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी आपको बताया है, ठीक है। और ये फेच ऑल फंक्शन तो आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो गए होंगे। फेच ऑल किस लिए यूज होता है, सारे रिकॉर्ड्स को फेच कराने के लिए। तो अभी हमारे पास सारे रिकॉर्ड आ चुके हैं, अब इनमें आप देख लीजिए, पहला रिकॉर्ड राघव का है, दूसरा फिर राघव का है, तीसरा राम का है, चौथा पुनीत का है, और फिर पांचवा भी पुनीत का ही है। तो क्या यही रिकॉर्ड हमें MySQL पे देखने को मिलेगा, एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं MySQL पर, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले शो डाटा बेसेस चलाएंगे, तो ये चलाया हमने शो डाटा बेसेस, और शो डाटा बेसेस चलाएंगे तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास कौन कौन से डाटा बेसेस मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे शो डाटा बेसेस हम चला रहे हैं, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे डेटा बेसेस हैं, लेकिन हमारे डेटा बेस का क्या नाम है वो देखना होगा। हमारे डेटा बेस का नाम है ऑफिस, तो ऑफिस भी इसमें मौजूद है, तो हमें फिलहाल ऑफिस को ही यूज करना है। तो यहाँ लिखेंगे यूज OOFICE ऑफिस, और यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे, यानी ऑफिस को यूज कर लेते हैं, और फिर हम चेक करेंगे कि ऑफिस के अंदर कोई टेबल है या नहीं। तो उसके लिए शो टेबल्स कमांड यूज करेंगे, और यहाँ पर शो टेबल्स चलाएंगे तो आपको जितने भी टेबल इसके अंदर बने होंगे वो दिखेंगे। तो दो टेबल है, एक एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉई वन है, दोनों नाम से टेबल बनी हुई है। तो फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर किस नाम से है, तो ये एम्प्लॉई वन वाली टेबल है। यहाँ देखिए पाइथन कोड जो हमने लिखा था, इसमें यह एम्प्लॉई वन दिया गया है, ठीक है। तो इसी को हमें चेक करना है, तो यहाँ पे एम्प्लॉई वन देंगे। तो अभी हम सेलेक्ट करने वाले हैं, कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो ये लिखेंगे सेलेक्ट कमांड और एस्ट्रेक, सेम वही चीज जो आपने पाइथन पे लिखा था, देखिए ना यहाँ पर, ये देखिए वो वही कोड लिखा गया, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट एस्ट्रेक फ्रॉम एम्प्लॉई वन लिखा गया है ना, तो सेम यही कोड हमको MySQL पे भी टाइप करना है, ठीक है। इससे तो आप पहले से भी परिचित होंगे, ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रेक फ्रॉम, अब टेबल का नाम है हमारे एम्प्लॉई और यहाँ पे वन, ठीक है, ये दे दिया। अब यहाँ से टर्मिनेशन देने की बारी है, और टर्मिनेशन देने के बाद इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके यहाँ से चला दीजिए। तो जैसे चलाया तो आप देख सकते हैं पहला रिकॉर्ड राघव का है, दूसरा भी राघव का है, तीसरा राम का है, चौथा पुनीत का है, और पांचवा भी पुनीत का है। इसके नीचे तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं आया हुआ है। तो बिल्कुल सेम रिकॉर्ड आपको यहाँ पर भी फेच होता हुआ नजर आ रहा है, पहला रिकॉर्ड राघव का न्यू कॉलोनी देवरिया, दूसरा फिर राघव का न्यू कॉलोनी देवरिया, तीसरा राम का न्यू कॉलोनी देवरिया, चौथा पुनीत का जो कि देवरिया के हैं, और फिर पांचवा भी पुनीत का, ठीक है।
तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कमांड का यूज MySQL के अंदर तो करते ही हैं, आप पाइथन के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये सिर्फ कागजी तौर पर संभव नहीं है, ये आप खुद बना भी सकते हैं, ठीक है, अपने ही सिस्टम में, जहां पर आप, जो भी आपका स्कूल है कॉलेज है, तो वहां पर बना करके बाकायदा दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसे कागजी तौर पर कहीं से आपने कॉपी पेस्ट कर लिया और उसी को निकाल के दे दिया, तो ऐसा नहीं है। आप बनाइए, खुद से बनाइए, खुद दिखाइए, ठीक है। इस तरीके से आप करिएगा तो होगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर वापिस से हम आ जाते हैं पाइथन वाले कोड पर, और ये आ गए पाइथन वाले कोड पर। अब देखिए फेच फेच ऑल तो हो गया, क्या फेच वन भी काम करेगा इसमें? तो यहां पर मैं fetch हो गया फेच वन, वन करता हूं यहां पे one, तो ये हो गया फेच वन। तो फेच वन का मतलब होता है केवल एक रिकॉर्ड। तो जरा देखिए इसमें पहला रिकॉर्ड कौन सा है, यहां पर देख सकते हैं, यहां पे पहला रिकॉर्ड कौन सा आया हुआ है, राघव का आया हुआ है, जाहिर सी बात है। और ये राघव का ही पहला, सॉरी यहां पे देखिए राघव का पहला रिकॉर्ड है न्यू कॉलन देवरिया, तो राघव का ही पहला रिकॉर्ड फेच होगा। ये सेकंड वाला राघव नहीं होगा, ये फर्स्ट वाला राघव होगा जो आएगा, ठीक है। तो एक बार इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहां पे गए हम, और अब इसको यहां से रन करने की बारी। तो यहां से रन किया हमने, और जैसे ही रन करेंगे तो देखिए राघव न्यू कॉलोनी देवरिया आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब हम मेनी का भी यूज कर लेते हैं, भाई फेच वन यूज किया, फेच मेनी भी तो यूज कर लेते हैं। तो यहां पर अब हम फेच मेनी का यूज करेंगे, ठीक है। तो रेडी, तो चलिए आइए फेच मेनी का यूज करते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये फेच मेनी करिए, और यहां पर कितने रिकॉर्ड चाहिए, मान लीजिए हमें दो रिकॉर्ड चाहिए, तो दोनों रिकॉर्ड तो राघव के ही है, आप पहले ही देख चुके हैं। और यहां से जाएंगे और जब रन करवाएंगे तो आपको वही दोनों रिकॉर्ड मिलेंगे, ठीक है। कैसे, यहां पर देखिए इसको रन कराया, यहां पर रन कराया, तो अभी आप देखेंगे कि सिर्फ वही दो रिकॉर्ड आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। रन होकर वही दो रिकॉर्ड आपके सामने फेच हो रहे हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कैसे फेच हो रहा है। अगर मान लीजिए आपको तीन रिकॉर्ड देखना है तो यहाँ पे थ्री कर दीजिए, और थ्री करने के बाद आपको थ्री रिकॉर्ड फेच होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए केवल और केवल थ्री रिकॉर्ड ही फेच हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आप फोर रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो यहाँ पे फोर कर दीजिए, फाइव तो आएगा नहीं, क्योंकि फाइव अगर होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए चौथा रिकॉर्ड जो है वो भी फेच हो गया है, ठीक है, और पांचवा भी फेच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रिकॉर्ड पुनीत भी है, और छठवां रिकॉर्ड नहीं आएगा, छह रिकॉर्ड तो है ही नहीं, तो पांच ही रिकॉर्ड आएंगे इसमें, बाकी छठवां रिकॉर्ड तो है ही नहीं, तो कहां से आएगा। तो यहाँ पे पांच रिकॉर्ड आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि पूरी बात आपको समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे करना है, ठीक है ना। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये कोड चाहिए तो वही कहूंगा कि टेलीग्राम चैनल से जाकर के कोड को आप ले सकते हैं, जिसका नाम है सूरज सर कंप्यूटर वाले। टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और वहां पर सर्च कीजिए, ऊपर सूरज सर कंप्यूटर वाले चैनल मिल जाएगा, वहां से जाके आप कोड उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये मैंने आपको बता दिया, उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, उसको सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर ये कोड आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है सूरज सर कंप्यूटर वाले। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।